अगर स्पेशलिस्ट की बात करते हैं शुएब मलिक, और शुएब मलिक ये समझते हैं कि जी मुझे वापस में आना चाहिए, तो फिर सोहेल तनवीर भी स्पेशलिस्ट है, फिर सोहेल तनवीर को भी आना चाहिए, कामरान अकमल भी स्पेशलिस्ट है T20 का, फिर कामरान अकमल को भी आना चाहिए। अब मतलब शुएब मलिक साहब का कहने का मकसद ये है कि रेड बॉल के लिए अलहदा कोच के ऊपर पैसे लगाओ और वाइट बॉल के लिए अलहदा कोई देखो। सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और जैसा आपको पता है कि कल जो है वो शुएब मलिक ने एक बातें कुछ उन्होंने ट्विटर पे लिखी, और उसको देख के तो मेरे ख्याल है कुछ लोग हैरान भी हुए, और कुछ लोगों ने बड़ी उस ट्वीट की सपोर्ट की कि शुएब मलिक ने वाकई सही बात की है। शुएब मलिक ने उसमें क्या बातें की जो मैंने उनकी ट्वीट को पढ़ा, उसमें ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि शुएब मलिक चाहते हैं कि उनके उनके मतलब की कोई चीज़ें हों। अगर कप्तान कप्तान के हाथ में अगर चीज़ नहीं है, जो सिलेक्शन होती है सिलेक्शन कमेटी के हाथ में, ये कोच के हाथ में है, कप्तान से नहीं पूछा जाता, तो उनका कहने का मकसद ये था कि कप्तान के हाथ में सारी चीज़ें हों। क्यों? शायद वो कप्तान इनको पसंद करता है, कप्तान शायद इनको सेलेक्ट करना चाहता था, मिसबा इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहता था, या चीफ सेलेक्टर जो है सिलेक्शन कमेटी जो है वो इनको सेलेक्ट नहीं करना करना चाहती। उसके बाद इन्होंने एक और बात बोली, वो ये कि इंटरनेशनली वाइड बॉल का कोच आना चाहिए। ये ज़रा वाइड बॉल का कोच जो इंटरनेशनली, ये ज़रा एक्सप्लेन करके बता दें कि इसका मतलब क्या है, कि वाइड बॉल का कोच क्या होता है? क्या रेड बॉल का कोच अलहदा होता है, वाइड बॉल का कोच अलहदा होता है? ये ज़रा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें पूरे पाकिस्तान को, फिर समझ आएगी लोगों को कि ये वाइड बॉल का होता क्या है। अगर वाइड बॉल का कोच है इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनल का कहने का मकसद है पाकिस्तान से बाहर से हट के आए, क्या क्रिस सिल्वरवुड जो इंग्लैंड का कोच है वो वाइड बॉल का स्पेशलिस्ट कोच है? क्या ग्रे स्टीड जो न्यूजीलैंड का है वो क्या वाइड बॉल का स्पेशलिस्ट कोच है? क्या रवि शास्त्री की वाइड बॉल का स्पेशलिस्ट है? क्या उस बंदे को बहुत एक्सपीरियंस है वाइड बॉल का? क्या फिल्म सिमंस का बहुत एक्सपीरियंस है जो वेस्ट इंडीज़ के कोच बने वाइड बॉल का? क्या मिकी आर्थर वाइड बॉल का बहुत बड़ा कोच है जो श्रीलंका के कोच बने हुए हैं? क्या मार्क बाउचर बहुत बड़ा कोच है वाइड बॉल का? क्या जस्टिन लैंकर बहुत बड़ा वाइड बॉल का कोच है? मतलब कहने का मकसद ये है कि मतलब ठीक है, सबको पता है कि सब आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, सब आपको बैक कर रहे हैं, सब आपको पाकिस्तान टीम में दोबारा लाना चाह रहे हैं। अगर आपको भी किसी ने बोला या आप भी अपनी तरफ से ट्वीट कर रहे हैं, तो कम से कम ट्वीट तो कुछ ऐसी काम की करें कि बंदे को समझ भी आए कि भाई शुएब मलिक साहब क्या ट्वीट कर रहे हैं। अब हमें तो नहीं पता ना कि जी इंटरनेशनली वाइट बॉल का। अब दूसरी बात ये कि इनका कहने का मकसद जो मैं समझा वो ये है, देखें ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं क्रिकेटर्स को समझता हूँ, या जो क्रिकेटर्स की जो चालाकियाँ होती हैं जो मैं समझता हूँ, वो इनका कहने का मकसद ये था कि वाइट बॉल का जो कोच है वो जब आएगा, अब वाइट बॉल का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो वाइट बॉल का कोच की समझ आती है वो ये है कि जो स्पेशलिस्ट हो वाइड बॉल का, चाहे ODI क्रिकेट का हो या T20 क्रिकेट का हो, जिसको बड़ी जिसने खुद खेली भी हो, और मतलब यानी खेली भी हो, उसको वो बड़ा एक्सपीरियंस हो उसको उस क्रिकेट का, वो आ जाए तो बड़ा समझ है। अगर अच्छा वो अगर आता है, वो जब आएगा वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले ये करेगा कि वाइड बॉल क्रिकेट के जो ODI के प्लेयर्स और T20 प्लेयर्स हैं वो अलहदा करेगा, रेड बॉल के जो प्लेयर्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे और वाइट बॉल वाले अलहदा होंगे। अब मतलब शुएब मलिक साहब का कहने का मकसद ये है कि रेड बॉल के लिए अलहदा कोच के ऊपर पैसे लगाओ और वाइट बॉल के लिए अलहदा कोई देखो। अच्छा वाइट बॉल के लिए जब आएगा वो तो स्पेशलिस्ट मांगेगा ना, जब वो मांगेगा तो शुएब मलिक का नाम सबसे पहले लेगा वो कि जी शुएब मलिक हमें चाहिए, क्योंकि शुएब मलिक दुनिया की लीग खेलता है, दुनिया की क्रिकेट खेलता है, तो मुझे तो T20 क्रिकेट के लिए वाइट बॉल का स्पेशलिस्ट चाहिए। तो शुएब मलिक ने जितनी भी बातें की इसमें सिर्फ उनका अपना मकसद है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब बातें की, अदरवाइज़ मुझे नहीं समझ आई कि उनको ये बातें करने की ज़रूरत क्या पड़ी, अभी ज़रूरत क्या पड़ी। और दूसरी बात ये कि आप किस किस वजह से आप ये बातें कर रहे हैं, आपकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है,
जिस तरह मैंने पहले बताया कि शोएब मलिक साहब की पहले अपने कैरियर की पहली 50 इनिंग के अंदर सिर्फ 2 50 हैं, और लास्ट इनिंग लास्ट कैरियर की लास्ट जो 50 मैचेस खेल चुके उसमें 4 या 5 50 हैं। परफॉर्मेंस तो शोएब मलिक की है नहीं, शोएब मलिक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तो टीम से बाहर हुआ। और शोएब मलिक अब तकरीबन 40 साल के हो गए हैं, क्या इनकी फॉर्म वापस आ गई? अब जो इनकी फॉर्म नहीं थी, क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे, वो शुगल मेले में लगे हुए हैं, क्रिकेट तो वो खेल नहीं रहे कहीं पर भी। दूसरी बात ये कि अगर स्पेशलिस्ट की बात करते हैं शोएब मलिक, और शोएब मलिक ये समझते हैं कि जी मुझे वापस में आना चाहिए, तो फिर सोहेल तनवीर भी स्पेशलिस्ट है, फिर सोहेल तनवीर को भी आना चाहिए। कामरान अकमल भी स्पेशलिस्ट है T20 का, फिर कामरान अकमल को भी आना चाहिए। उसके बाद बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं, फिर उमर अकमल भी T20 का स्पेशलिस्ट है, आप उसको भी टीम में वापस लेके आ जाओ। शोएब मकसूद ने भी डोमेस्टिक में T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आप उसको भी लेके आ जाओ। मतलब अगर ये जो लोग गेम बना रहे हैं शोएब मलिक का, तो इन लोगों को फिर दूसरों के लिए भी तो गेम बनाओ। वहाब रियाज T20 का स्पेशलिस्ट है, उसको भी लेके आ जाओ। फिर आमिर भी T20 का स्पेशलिस्ट है, उसको भी लेके आ जाओ। अमाद वसीम को भी वापस लेके आ जाओ। ये जितने भी मैंने नाम लिए ये सब T20 के स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर सबको आना चाहिए। ये तो नहीं फिर सिर्फ शोएब मलिक को आना चाहिए, और जो गेम बना रहे हैं सब शोएब मलिक का, तो उन सबको चाहिए कि ब्राय मरबानी ये बाकी जिन प्लेयरों के भी मैंने नाम लिए इनके लिए भी गेम बना लो थोड़ा बहुत, ये भी कम से कम टीम में वापस आ जाएंगे। तो बात यह है कि मैंने जिस तरह पहले बात बोली थी कि जब जब लड़कों को वापस आना है, जो सीनियर लड़के होते हैं जब वापस आना है, तो वो उनके लिए फिर ये सारा गेम बनाते हैं। और दूसरी बात ये, वसीम खान साहब को मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि शोएब मलिक को क्या हक है वो डायरेक्टली मिसबा को कह रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली मिसबा को हिट किया है ना, या आपको हिट किया है, वसीम खान साहब को हिट किया है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को हिट किया है कि भाई ये किन किस किस किस्म के लोगों को आप पाकिस्तान टीम का कोच बना देते हैं। देखें, हम जो कहते हैं हम लोगों का क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है, ना हमने पाकिस्तान टीम में आना है, ना हमने क्रिकेट खेलनी है। हम टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, हम लोग मिसबा को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सीईओ को, हर किसी को हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन शोएब मलिक का कोई हक नहीं है किसी को डायरेक्टली कहना कि जी ये रेड बॉल का कोच है, इसको वाइट बॉल का कोच लाना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, क्योंकि वो स्टिल क्रिकेट खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक करना चाह रहा है। जो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक करना चाह रहा है, मेरी शोएब मलिक साहब से रिक्वेस्ट है, तो जाओ ना अभी T20 की डोमेस्टिक, आप T20 खेलें ना, क्या परफॉर्मेंस रही आपकी, परफॉर्मेंस करें डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके, दूसरे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें और आप परफॉर्मेंस ना दें डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये क्या घर की खेती बनाई हुई है आप लोगों ने कि जी शोएब मलिक साहब के लिए कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस नहीं है, वो डायरेक्ट गेम बना के सब कुछ करके वो टीम में आ जाए वापस, ये क्या तरीके का रहे यार भाई। आप परफॉर्मेंस दो ना, आप परफॉर्मेंस दो आपके लिए, अगर सब लोग टीवी चैनल्स पे या मीडिया में आपके लिए बात कर रहे हैं, तो भाई आपका काम है फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस भी देना। तो मेरी मिसबा से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करें। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है, पाकिस्तान टीम में शोएब मलिक की जगह बनती है या उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर उनकी जगह बनती है तो आप उनको टीम में खिलाएं, अदरवाइज आपको प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ मिसबा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अब लड़कों को सपोर्ट करना छोड़ दो, जो लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे, जिनको आपने बहुत ज़्यादा चांस दे दिया, आप उनको टीम से फारिग करें। क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो बार बार, क्यों फिर लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हम भी उठाते हैं, हम भी कौन से और लोगों में से नहीं, हम भी उठाते हैं कि भाई आप लड़कों को बिला वजह सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्पेशली शोएब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, और वसीम खान साहब को एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि शोएब मलिक डायरेक्टली कह रहे हैं जी वाइट बॉल का कोच होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। शोएब मलिक को मेरे ख्याल में ये बातें करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, इनकी बात के ऊपर एक्शन लेता है या नहीं लेता है, ये तो बात की बात है। इंशाल्लाह ताला अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।